ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि व्हाट्सएप पर किसी का भी न्यू नंबर कैसे सेव करें। कुछ ही सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके व्हाट्सएप एप्लीकेशन पर आप किसी का भी न्यू नंबर सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन करना है, उसके बाद राइट साइड में नीचे की ओर प्लस का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर सेकेंड नंबर पर न्यू कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम का ऑप्शन बेसिकली दिया गया है, तो जिस भी व्यक्ति का आप नंबर सेव करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम भी दिया गया, यानी कि सरनेम। आप यहाँ पे सरनेम डालना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे सरनेम आप डाल सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पे कंट्री आपको सेलेक्ट करना है। पहले से ही ये इंडिया सेलेक्ट देखने के लिए मिल सकता है, तो आपको यहाँ पे उससे रहने देना है। बाकी यहाँ पे अब आपको क्या करना है, फोन नंबर फिल करना है। तो फटाफट यहाँ पे हम फोन नंबर जो है वो फिल कर देते हैं। और नीचे में आप देख सकते हैं कि अगर जो फोन नंबर आप यहाँ पे डाले हो उस फोन नंबर से व्हाट्सएप चालू रहेगा तो यहाँ पे लिख देगा दिस पर्सन इज ऑन व्हाट्सएप, यहाँ यानी कि उस नंबर से बेसिकली व्हाट्सएप जो है वो चालू है। ठीक है दोस्तों, इस नंबर को आप कहाँ सेव करना चाहते हो, फ़ोन में सेव करना चाहते हो या फिर से जीमेल अकाउंट में सेव करना चाहते हो, उसका यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, तो उससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपके फ़ोन में जितने भी सारे जीमेल्स हैं वो सभी यहाँ पे शो होने लगेगा, और आप जिस भी जीमेल में सेव करना चाहते हो उस पर आपको टिक कर देना है। और अगर यहाँ पर फ़ोन में आप सेव करना चाहते हो तो फ़ोन पर टिक करने के बाद सेव पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर नीचे में जो है वो सेव का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद बेसिकली नंबर सेव हो चुका है, और राइट साइड में कॉर्नर में थ्री डॉट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करने के बाद थर्ड नंबर पे रिफ्रेश का ऑप्शन दिया गया, तो रिफ्रेश पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नंबर बेसिकली रिफ्रेश हो चुका है, और यहाँ पे वो नंबर जो है वो व्हाट्सएप में आ चुका है। दोस्तों देखिए, डायलर एप्लीकेशन से भी आप यहाँ पे नंबर जो है वो सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट्स एप्लीकेशन ओपन करना है, उसके बाद फर्स्ट नंबर पे ही क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फर्स्ट नाम डाल देना है, लास्ट नाम आप डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर डाल देना है, उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको सेव कर देना है और व्हाट्सएप एप्लीकेशन में जाकर वहां पे आप रिफ्रेश कर लीजिएगा, तो आपका वहां पे नंबर जो है वो बेसिकली आ जाएगा। तो दोस्तों इन्हीं कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी व्यक्ति का नंबर जो है वो सेव कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।